फ्लाईओवर का सर्वे था, ट्रक लेट नहीं थी, लेकिन भाई ने सर्वे हुआ एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए सारे सफर को गंभीर करो, सारे सफर को जोड़ता हुआ नहीं हुआ, सारे सफर को गुजार तो उजार दिया। जब उन्होंने आप सरकार बदली, व्यवस्था बदली, मुख्यमंत्री ने कहा व्यवस्था परिवर्तन होगा, वो एसडीएम का चिट्ठी जो है, चार साइन जो है फ्रॉड निकले हैं सबको के, फ्रॉड साइन किए और कहा ये जनता ने कह दिया, गलत नहीं कह रहा हूँ, ये व्यापार मंडल ने कह दिया, उसकी भी इंक्वायरी कर रहा हूँ जो फ्रॉड साइन के जिस अधिकारी ने काम किया है। और हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से अभी तक स्टे लगा हुआ। और अब हाई मुख्यमंत्री जब यहाँ आए थे तो मैंने नेशनल हाईवे के जो वाले प्रभावित लोग हैं इनको मिलाया। अब उसी वो पुराना जो हमारा एडवोकेट जनरल ने अपील मांगा, तो पुराना जो एसडीएम का हमारा निर्णय था और एनएच के बीच में जो पहला हमारा जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे को जो है हमने हाई कोर्ट के अंदर भी अब एसडीएम साहब ने अपनी ओरिजिनल पिक्चर रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बाजार को भी आपने भी अब हमारी मदद करनी, और मैं 6 महीने में 90% की नहीं की आपके सेवक ने मदद, और मित्रों माता टार की कृपा रही तो साफ के बाजार को गुजरने नहीं दूंगा। और जो ईसीएस के साथ साथ नगर परिषद की जो वेंडर दुकानें, मैंने मेरे मन में प्लान है, किसी ने बताया नहीं है, 122 दुकानों के पीछे ये ठोके हैं, नंबर बन के इनको देंगे। नगर पंचायत के ईओ के साथ बात हुई, सुरेश कुमार जी आए थे, वो बात हुई, जगह जगह पे बन गए। और अगर कोई भाई वाला डिस्टर्ब भी होगा, कल बात हुई, उस भाई को भी हम उजड़ने नहीं देंगे, उस भाई को नंबर वन प्रायोरिटी के वहां हम दुकान देंगे। तो 120 दुकानें ईसीएस के साथ जो है हम वेंडर्स के लिए बना रहे हैं, ये मेरा अपना सोच है, मेरा ये अपना आने वाले टाइम का विजन है। आपका आप सब लोग आए, आपका सवेरे से मेरे मतलब 8 बजे चला, कोई 7 बजे चला, आपका मैं कह दी से जो है वो धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जल्दी ही जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बड़ी जनसभा करेंगे, और मुख्यमंत्री महोदय ने कहा मैं जल्दी ही आपके बीच में साफ करने आऊंगा, जो जो आप सवारी और आकांक्षाएं हैं, मुख्यमंत्री को चंगर का दौरा भी कराएंगे, मुख्यमंत्री को धारकंडी का दौरा भी कराएंगे, मुख्यमंत्री को करेरी तक भी ले जाएंगे, करेरी तक भी मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा में कहा है, सुन ले भैया पीडब्ल्यूएस, विधानसभा में सुन से कि 3 महीने के अंदर जो है वहाँ गाड़ी पहुंचनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री महोदय जब भी आप टूर बढ़ाएंगे तो मैं सारा पूरे दिन का टूर बढ़ाऊंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ चौधरी साहब आपने बीच में दिया, आदरणीय भवानी जी और वीरेंद्र राजन जी, इसके साथ साथ जहाँ हमने ऑफिस लागू कर दिया, हमारी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कर्मचारियों, आपने हमारा साथ देना है। मुख्यमंत्री महोदय ने आपको ओपीएस और कर्मचारियों का डीजी और देना था, जैसे हमने ओपीएस की एसओपी जारी की, दिल्ली की सरकार ने हमारा 5700 करोड़ रुपया, जब हम वहां गए, जब मुख्यमंत्री महोदय हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने गए, सबसे पहले वो मुख्यमंत्री को कहने लगी कि आपने ओपीएस जारी क्यों कर दिया। आप कर्मचारियों, मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, हमारा 5700 करोड़ रुपया रोक के रखा है मुख्यमंत्री, तो आज आपके सोचते विकास फंडवेश क्या था, हमने कहा था विजन डॉक्यूमेंट में हम आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बंद करेंगे, वो शुरुआत मुख्यमंत्री ने कर दी है। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है 2024 में बढ़े, क्योंकि उन्होंने हमारा 5700 करोड़ रुपया रोका है कि कर्मचारियों को पेंशन नहीं लगनी चाहिए, जो हिमाचल का विकास हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, 9 महीने बचे हैं, आपने कर्ज से मस नहीं होना। आप अगर मुख्यमंत्री ओपीएस कर सकता है, ओपीएस कर सकता है, वो मैं कहता हूँ आउटसोर्स के लिए पॉलिसी ला सकता है, वो फौजी भाइयों को कई स्कीमें हमारे पास है, तो आप लोगों ने 2024 में भी ये कई प्रकार की, लेकिन आप तो चौधरी साहब थक चुके हैं, लोग जो कहते थे 15-15 लाख रुपए हम आपके खाते में लाएंगे, भाइयों बहनों आपको 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो वो उसमें अब आया है। तो हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश का नौजवानों के लिए अब 30,000 बेरोजगारों को रोजगार के अवसर जो है कैबिनेट ने अप्रूव करी है, और मैं चाहता हूँ कि जो बेरोजगारी पे वो चर्चा माननीय कैबिनेट ने की, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।